हे एवरीबॉडी, आप सभी का हेल गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। यह है बीटीटीएच नोवल का एपिसोड नंबर 188 और ये एपिसोड होने वाला है बहुत ऑसम, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको फाइटिंग सीन्स को ज्यादा ही पसंद है। चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पिछले एपिसोड की रिकैप शुरू करते हैं। बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाक से सब्सक्राइब बटन के ऊपर हमला कर दो। चलो अब हो जाए रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत होती है उस पिलहॉल से जहाँ पे जियान और चिंगलिन के बीच मेल मिलाप हो गया था। अब इनका मेन टारगेट होता है वो मेन हॉल जहाँ पे टियान क्लास की दो टेक्निक मिलेगी, क्योंकि चिंगलिन ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को समन किया था। जियान उसे इन सभी को वापस रखने के लिए बोलता है। इस बात से एग्री करके चिंगलिन एक इशारा करती है, वो सभी उसकी आंखों में समा जाते हैं। इस सीन को देख के जियान का ग्रुप शॉक हो जाता है। वो रियलाइज करते हैं कि चिंगलिन की इन स्पेशल आंखों का पोटेंशियल कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। सीन आगे बढ़ता है, वो पहुंच जाते हैं मेन हॉल में। अभी यहाँ पे हेवन डीवन फिनिक्स ट्राइब, आइस रिवर वैली और विंडलाइटिंग पवेलियन जैसे फैक्शंस वेट कर रहे थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के लोग भी होते हैं। बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ टेंगजेन जियान से मिलकर बताते हैं कि अभी तक किसी ने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि सभी यहाँ की सील का डिसअपीयर होने का वेट कर रहे हैं। जियान का ध्यान भी हॉल की तरफ जाता है। सबसे पहले उसने देखा था 10 लाइट क्लस्टर्स को। इन लाइट क्लस्टर्स के अंदर 10 स्क्रोल होते हैं। टेंगजेन बताते हैं कि टीएन क्लास की दो टेक्निक इनमें से किसी एक में ही होगी। तभी जियान का ध्यान गया था उन लाइट क्लस्टर्स के पीछे। वहां पे उसे स्केलेटन दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे हड्डियों का ढांचा जेड से बना है। जियान रियलाइज करता है कि स्केलेटन उस दोशेंग का ही होगा। अभी क्योंकि मास्टर यालो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए भी स्केलेटन की जरूरत है, तो जियान डिसीजन लेता है कि अगर उसे मौका मिलता है तो वो स्केलेटन के ऊपर अपना हाथ जरूर आजमाएगा। ये सब बातें चली रही होती है तभी इसमें हॉल में किसी के हंसने की आवाज गूंजती है। अगले पल में हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स यहाँ पे एंटर करते हैं। जियान सरप्राइज तब हुआ था जब वो सबसे आगे आने वाले बुड्ढे को देखता है। ये भाई ओल्गो जयसिंह था जिसका जियान ने हाथ तोड़ दिया था। जियान को देख के ओल्गो जयसिंह भी आग बबूला हो गया था और वो जियान के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि जब जियान 9 स्टार 2 जोंग था तब जियान ने उसकी कुत्ते जैसी हालत कर दी थी, तो फिर 2 जोंग क्लास में वो जियान का क्या ही बिगाड़ पाएगा। जैसे जियान अपनी 3 हेवली फ्लेम्स को समन करता है, उस अनहाइलेशन फायर लोटस के बारे में सोच के ओल्गो जयसिंह की फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ एंशिएंट रिमेन्स में इकट्ठे हुए एक्सपर्ट्स एक दूसरे की तरफ बेड़ियों की नजरों से देख रहे थे। इस वजह से ओल्गो जयसिंह को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। उसने ऐसा किया ही था तभी लाइट क्लस्टर्स की सील बैंग साउंड के साथ डिसअपीयर हो जाती है। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हुई है। जैसे ही बैंग की आवाज आई थी ऐसा लगता है इस बड़े से हॉल के टेंस एटमोसफेयर के बीच में एक बॉम्ब फट गया। एक इंस्टेंट में हॉल का इंटीरियर बॉयल होने लगा था। चीची का साउंड करते हुए वो 10 लाइट क्लस्टर्स डिसअपीयर हो जाते हैं। उनके अंदर से 10 अलग अलग कलर की रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ शूट हो जाती है। क्योंकि इकट्ठे हुए सभी एक्सपर्ट्स काफी पावरफुल थे तो वो लाइट्स के अंदर से स्क्रोल्स को देख सकते थे। इन स्क्रोल्स में से एक एंशिएंट ऑरा फैलता है। इस सीन को देख के कई एक्सपर्ट्स की आंखें ब्लडी रेड हो गई थी। अभी उनकी ब्रीदिंग भी काफी हैवी हो जाती है। लाइट के इंटेंसिफाई होने के बाद इस हॉल में एक पल के लिए तो बिल्कुल साइलेंस रहा था। तभी एक बंदे की आवाज आती है, एक टीएन क्लास की दो टेक्निक का जन्म होने वाला है। तुरंत ही हम कई रंबलिंग साउंड्स को सुन सकते हैं। इस समय इस बड़े से हॉल में वेव आफ्टर वेव पावरफुल डेंस दुई की इरप्ट होती है। सभी एक्सपर्ट्स मधुमक्खियों की तरह उन स्क्रोल्स की तरफ झपट्टा मारते हैं। इस वक्त उन्हें अपनी लाइफ की बिल्कुल परवाह नहीं थी क्योंकि सामने इतने सारे एक्सपर्ट्स ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो स्क्रोल्स अपनी इंटेलिजेंस को पोजेस करते हों। वो हवा में टर्न होकर इन सभी को डॉज करने लगे थे। सभी दिशाओं से ह्यूमन फिगर्स एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं। हवा में कई एक्सपर्ट्स के बीच में फाइट्स भी शुरू हो गई थी। लगातार ग्रग और बैंग की साउंड सुनाई देती है। बहुत जल्दी खून फेंकते हुए कई एक्सपर्ट्स नीचे की तरफ आके जमीन पे टकराए थे। नीचे टकराने पे जो लो और मफल्ड साउंड सुनाई देता है इस वजह से कईयों के दिल गले तक आ गए थे। सच में ये सभी लीथल अटैक्स का यूज कर रहे हैं। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख जियान का एक्सप्रेशन भी अनयूजुअली ग्रेव था। वो आगे जा रही जिया को फटाक से रोक के डीप आवाज में बोलता है, हम पहले अटैक नहीं करने वाले। साइड में खड़े टेंगजेन भी नॉड करते हैं। वो अपने बर्निंग फ्लेम वैली के उन एक्सपर्ट्स को जाके रोकते हैं जो हवा में जाके उन स्क्रोल्स को कैच करना चाहते थे। वो जियान से कहते हैं, यंग फ्रेंड जियान, क्या तुम अभी देख पा रहे हो कि इनमें से कौन सी टेन क्लास की दो टेक्निक है? ये सुन के जियान ने अपना सिर हिलाया था। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ये 10 स्क्रोल्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये भी कहा जा सकता है कि मैंने अपनी लाइफ में जितनी हाई लेवल की दो स्किल्स को देखा है उनमें से ये सभी सबसे हाईएस्ट क्लास की दो स्किल्स और चीफ मेथड्स हैं। मेरे ख्याल से इन स्किल्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इन्हें कैच करना इतना आसान नहीं है। उसकी सेंसर्स बता रही थी कि ये 10 एंशिएंट स्किल्स बहुत ही अनयूजुअल एनर्जी को कंटेन करते हैं। ऐसा उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। जियान को उन 10 दो स्किल्स और चीफ मेथड्स का क्लास काफी हाई लग रहा था। उसके गैस के हिसाब से अभी तक जियान के पास जितनी सारी दो टेक्निक्स हैं उनमें से गॉड सील स्किल्स ऐसी दो टेक्निक्स हैं जो
जो इनसे कंपेयर करी जा सकती है। जियान कहते हैं सच में एलिट दो शेंग के रिमेंस कहलाने के लायक है। इतनी पावरफुल दो स्किल्स और चीफ मेथड्स, इवन इस लेवल की स्किल्स को कई पावरफुल फैक्शंस भी पोजेस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये इतने बड़े नंबर्स में अपीयर हुए हैं। इस कैओटिक सिचुएशन के बीच में जियान की आंखें चारों तरफ देखती हैं। वो डिस्कवर करता है कि हॉल ऑफ सोल, हेवन डीवन, फिनिक्स ट्राइब और बाकी के कुछ फैक्शंस के ट्रू एक्सपर्ट्स इन स्क्रोल्स को तुरंत ही स्नैच करने की कोशिश नहीं करते। क्लियरली वो सभी यहाँ पे बाकियों के इंजर्ड होने का वेट कर रहे हैं। अभी टैंग जैन भी उन फाइट कर रहे एक्सपर्ट्स को देख रही थी जो लगातार खून फेंकते हुए नीचे गिर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ यंग फ्रेंड जियान, हम कुछ देर में अपनी अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज का यूज करेंगे, देखते हैं किसके हाथ में क्या लगता है, क्योंकि हम इस एंशिएंट रिमेन्स में आए हैं, यहाँ से खाली हाथ वापस लौटने का कोई पॉइंट नहीं बनता। जियान भी स्माइल करता है। टियान क्लास की दो स्किल उसके लिए भी खतरनाक लेयर को पोजेस करती थी। अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी डेफिनेटली गिव अप नहीं करने वाला। अभी जस्ट जियान ने नोट किया ही था तभी हॉल में किसी की शार्प मिजरेबल आवाज आती है। उसकी तरफ सबकी नजरें गई थी। सीन को देख के सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अभी तक जो पपिट शांति से बैठे हुए थे वो इस समय पूरी तरीके से जाग चुके हैं। वेव आफ्टर वेव अनयूजुअली डेंस मर्डर्स और ही फैलते हैं। अवेकन होने के बाद ये पपिट्स तुरंत ही मारकाट मचानी शुरू कर देते हैं। इन सभी के पास दो जोन लेवल की स्ट्रेंथ थी। जब ये साथ में अटैक करते हैं इनके और काफी शॉकिंग थे। कुछ ही समय के बाद स्टोन चेयर के आसपास का 100 मीटर का एरिया पूरी तरीके से खून से रंग जाता है। ऐसी सिचुएशन को देख के कई लोग चिल फील करते हैं। ऐसी हालत को देख के जियान की आईब्राउज भी निट हो गई थी। ये सभी दूजून क्लास के पपिट्स हैं। ये सभी बकरियों के बीच में शेर जैसे लगते हैं। अगर कुछ बड़े फैक्शंस को छोड़ दिया जाए तो फिर इनसे बाकी के लोग बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। नॉर्मली एक्सपर्ट्स बस 2-3 अटैक्स का यूज कर पाते थे, बस उतनी ही देर में उनकी चीर फाड़ कर दी जाती थी। जियान सबसे पास के पपिट को देखता है जो अभी स्लॉटर में बिजी था। अचानक से जियान की नजरें जाती हैं पपिट की आंखों की तरफ। इस पपिट की आंखें बाकी के पपिट्स जैसी खाली नहीं थी बल्कि उन आंखों में एक एक्सट्रीमली वाइल्ड किलिंग इंटेंट दिखता है। जियान कहता है ये सभी ऑर्डिनरी पपिट्स नहीं है, इनकी आंखों में अभी भी एक लाइफ फोर्स है। हमारा ध्यान गया था टियान जुनजे के ऊपर, अभी उनका चेहरा काफी सॉलम था। वो बताते हैं ये है एंशिएंट ह्यूमन पपिट्स, इन्हें क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है। उसका यूज करके वो एक्सपर्ट अपनी बॉडी से अपनी सोल को एक्सट्रैक्ट करता है जिसके बाद उसकी सोल के टुकड़े को सेव कर दिया जाता है इन पपिट्स की बॉडी के अंदर। ऐसा करने से जो पपिट क्रिएट होगा उसके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी बल्कि वो दो स्किल्स का भी यूज कर पाएगा। यही रीजन है जिसकी वजह से इनसे डील करना नॉर्मल पपिट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये सुन के जियान ने गहरी सांस ली थी। लगता है इस एलीट दो शेंग के पास काफी विशेष टैक्टिक्स थी, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर इन 10-12 पपिट्स को बनाने के लिए उस दो शेंग ने करीब 10-12 दो शेंग की जान ली होगी। शुरुआत से इस हॉल के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा केओटिक थी, लेकिन जब ये पपिट्स बीच में कूद पड़ते हैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हाहाकार मच जाता है। अभी वो एक्सपर्ट जो कि वेट करके दूसरों की मेहनत का फायदा खुद उठाना चाहते हैं, उनका ये प्लान फेल हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पपिट जो कि ऑफेंसिव मोड में है उन्होंने सभी एक्सपर्ट्स को अपनी रेंज में ले लिया था। जियान केओटिक लार्ज हॉल को फिर से देखता है। हवा में डांस कर रहे इन द स्क्रोल्स की वजह से सभी लोगों ने अपनी रीजनिंग को खो दिया था। उनकी आंखें लाल थी और वो लगातार उन स्क्रोल्स का पीछा करते रहते हैं। कोई भी इंसान जो कि स्क्रोल को अप्रोच करेगा उसे तुरंत ही पीछे से एक्सपर्ट्स के द्वारा घेर लिया जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है द्विकी की बॉम्बार्डिंग की। स्क्रोल के पास वाले एक्सपर्ट्स को चीखने का मौका भी नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ब्लड फॉग में बदल जाता है। जियान कहते हैं मैं भी एक्शन लेके एक स्क्रोल को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, तुम सभी अपने लालच को कंट्रोल में रखना वरना सभी मुसीबतें हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी। जियान की इस बात को सुनकर सभी लोग नॉड करते हैं। अगर उनके पास ज्यादा स्क्रोल्स आ जाते हैं तो फिर सभी की लाल आंखें उनकी तरफ फोकस हो जाएंगी। अभी कोई स्ट्रेंथ गैप के बारे में तो सोच भी नहीं रहा है। टियान क्लास की दो टेक्निक की वजह से सभी लोग पागल हो चुके हैं। अभी शाओशा और बाकियों ने जियान का रिप्लाई दिया था तभी हमारे कानों में बैंक की आवाज जाती है। कई एक्सपर्ट्स ब्लास्ट होकर ब्लडी फॉग में बदल जाते हैं। उस ब्लड फॉग में से एक ग्रे फिगर बाहर आता है, एक बड़ा सा स्फीयर जिसमें से लगातार खून टपक रहा होता है। वो शार्प विंड साउंड के साथ जियान की तरफ शूट हो गया था। उस ग्रे फिगर को देख के शाओशियान का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। वो कहती है बी केयरफुल, ये एक ह्यूमन पपिट है। उसकी बॉडी फ्लैश होके वो जियान के सामने अपीयर हुई थी। वो खुद ही आगे जाके उस पपिट को ब्लॉक करने लगी थी। शाओशियान की बॉडी से लगातार वास्ट और माइटी द्विकी बाहर आती है। जब तक शाओशियान इस ह्यूमन पपिट को ब्लॉक कर रही थी जियान को इसे केयरफुली ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि अब ये पपिट काफी पास में आ गया है जियान डिस्कवर करता है कि इस पपिट की बॉडी को एक मिस्टीरियस ग्रे क्लॉथ ने कवर करके रखा है। ये ग्रे क्लॉथ एक अजीब सी चमक को पोजेस करता था। सॉफ्ट होने के बाद भी इसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ बिल्कुल भी वीक नहीं थी। बल्ली एक लीड दोजोंग अपनी पूरी पावर का यूज करके इसके ऊपर हमला करता है तब इस क्लॉथ को डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है। टियांजुनजे जियान से कहते हैं क्यों न तुम इन पपिट्स के ऊपर एक ट्राई मारो। ये सुन के जियान ने भी एग्री किया था। जब शाओशियान उसे ब्लॉक कर रही थी जियान की आईब्राउज के बीच में से फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। ये लाइटनिंग स्पीड से पपिट की बॉडी में एंटर कर गई थी, लेकिन इस बार जियान पहले की तरह लकी नहीं
रहता। उस पपेट की बॉडी में एंटर करने के बाद जियानी सेंस करता है कि जहाँ पे पपेट्स की सील को प्लेस किया जाता है उस स्पॉट को एक बहुत ही पावरफुल सील प्रोटेक्ट कर रही है। डेफिनेटली इस तरीके की सील उस दोशेंग के द्वारा ही छोड़ी गई है। शायद यही रीजन है कि भले इन पपेट्स को क्रिएट करे हुए इतने साल हो गए हों, तब भी वो ऑर्डर्स को एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जियान स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को विथड्रॉ करने के बाद अपना शरीर लाता है। वो कहता है मैंने कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इनके अंदर जो सील प्लेस करी गई है मेरी अभी की करेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं उन्हें रिमूव नहीं कर सकता। वो थोड़ा सा रिग्रेटफुल फील कर रहा था। अगर जियान इन सभी पपेट्स को कंट्रोल कर पाता तो फिर इस हॉल में उसे पंगे लेने की किसी की औकात नहीं रहती। ये सुन के टियान हो जुंजी और लिटिल फेट डॉक्टर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, लेकिन अगले पल में वो रियलाइज करते हैं कि ये सभी पपेट्स उस दोशेंग के लास्ट डिफेंस हैं। अगर इन्हें इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता तो फिर ये एंशिएंट रिमेंस एकदम जोक बन जाता। जियान देखता है लिटिल फेट डॉक्टर की सिचुएशन को। अभी मामला काफी ट्रबलसम लग रहा था। क्लियरली इस पपेट को कम समय में फिनिश करना काफी मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल लिटिल फेट डॉक्टर कोई खतरे में नहीं है, इस वजह से जियान बाकी की चीजों पर फोकस कर सकता है। वो कहते हैं हमें भी एक्शन के लिए रेडी रहना होगा, मैं स्क्रोल को स्नैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप सभी पपेट्स को ब्लॉक करोगे। अभी फंग चिंगर, आई सिल्वर वैली और विंड लाइटिंग पवेलियन ने भी वेट करना बंद कर दिया था। वो स्क्रोल्स को स्नैच करने में लग जाते हैं। ये सुन के टियान जुंजी और बाकी के लोग नॉड करते हैं। उनकी बॉडी में दुखी सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी। वो जानते थे किसी क्योटिक सिचुएशन में इन स्क्रोल्स को ऑप्टेन करना इतना आसान नहीं होगा। जियान आसमान की तरफ देखता है, उसकी नजरें पॉज हुई थी एक लाल रंग की लाइट पे। इस लाल रंग के स्क्रोल पे काफी खून लगा होता है। जियान की गैस के हिसाब से इसे स्नैच करने के लिए करीब 10 लोगों की जान जा चुकी है। वो कहता है ये हमारा टारगेट होगा। इस स्क्रोल का कलर एकदम ब्राइट रेड होता है, इसमें से एक वाइल्ड और वायलेंट ऑरा फैल रहा था। मोस्ट लाइकली स्क्रोल फायर एफिनिटी से रिलेटेड है, जिस वजह से जियान के लिए काफी सूटेबल होगा। और तो और अगर बाकियों के स्क्रोल से कंपेयर किया जाए तो इसके पीछे कम एक्सपर्ट्स लगे हुए थे, इस वजह से इसके ऊपर डकैती डालने की डिफिकल्टी भी कम हो जाती है। जैसे ये रे ऑफ लाइट फ्लैश होती है, जियान की नजरें भी शिफ्ट हुई थी। एक पल के बाद ये रे ऑफ लाइट अपीयर होती है जियान के एरिया के पास। जैसे ये जियान के ग्रुप के पास आई थी, जियान कहता है डू इट। जियान के मुंह से आवाज बाहर ही आई थी तभी इसकी बॉडी से इरप्ट होती है पर्पल ब्राउन फ्लेम। पैरों को जमीन पर पटकते हुए जमीन पाउडर में बदल गई थी। जियान किसी बड़े से फायर ड्रैगन की तरह शूट हो जाता है उन एक्सपर्ट्स की तरफ जो स्क्रोल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। जियान का तरीका बहुत ही ब्रूटल था। जियान के सेक्शन ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। तुरंत ही उन सभी के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उनकी आंखें चिली हो जाती हैं। जैसे वो सब अपने हाथों को वेव करते हैं, कई दुखी के लाइट ब्लर्स हवा को चीरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। खैर जैसे उनकी स्ट्रेंथ है, वो यूजुअली जियान के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अभी टीएन क्लास की दो स्किल के लियोर की वजह से सभी लोग क्रेजी हो गए। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ और स्टेटस क्या है। वो अटैक करने से पहले बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। जब जियान इन सभी अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है, उसके नाक से कोल्ड स्नॉर्ट की आवाज बाहर आती है। वैसे कोल्ड स्नॉर्ट का मतलब होता है हम। चुटकी हो जाती है, जियान की बॉडी से रिलीज होते हैं 5 फायर पिलर्स। जब ये फायर पिलर्स उन अटैक से टकराए थे, उन सभी के अटैक्स बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सभी की शॉक आंखों के सामने वो बचे हुए पिलर्स उन एक्सपर्ट्स की बॉडी से जाकर टकरा गए थे। फ्राइटिंग टेम्परेचर की वजह से वो सभी फायर बॉल में बदल जाते हैं। जियान के मर्सीलेस अटैक की वजह से वो एक्सपर्ट्स जो कि अभी हमला करने की तैयारी में थे, उनके एक्सप्रेशन में बदलाव आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो नींद से जाग गए हैं। वो दांती मीचते हुए अपने अटैक्स को सप्रेस करने लगे थे, क्योंकि जियान के फियर्स अटैक की वजह से टेम्परेरी एक्सपर्ट्स ने हमला करना बंद कर दिया था। जियान का वो फायर ड्रैगन क्राउड के बीच में घुस जाता है, उसकी बॉडी फ्लैश होती है और वो उस ब्राइट रेड स्क्रोल की तरफ आगे बढ़ गया था। जियान के एक्शंस की वजह से जो सिर्फ एक लीड दोजुन स्क्रोल का पीछा कर रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अगली थे। वो काफी समय से इस ब्राइट रेड स्क्रोल का पीछा कर रहा है क्योंकि वो इस ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। इस स्क्रोल को ऑब्टेन करने के उसके चांसेस काफी हाई थे, लेकिन जियान के सेक्शन की वजह से उसका किलिंग इंटेंट राइज होने लगा है। हाथ को क्लेंच करते ही अपीयर हुई थी एक बड़ी सी एक्स, हिंदी में बोले तो कुल्हाड़ी। इस बंदे की स्ट्रेंथ भी 1 स्टार दोजुन के अराउंड की होती है। ये आसमान की तरफ एक रोर करता है, इसकी बॉडी को एक डीप येलो दुगी ने कवर कर लिया था। हम उसके शरीर की मसल्स को विगल करते हुए देखते हैं। अभी लाइटिंग स्पीड से उसकी बॉडी एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रही थी। इस दोजुन का चेहरा बहुत ही डार्क और डेंस था। एक ही फ्लैश में वो जियान के सर के ऊपर अपीयर होता है। वो कहता है इस वेनरेबल के लिए तुम लोग यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ। उसके हाथ में वो बड़ी सी कुल्हाड़ी जो कि बड़े बड़े पहाड़ों को एक बार में चीर सकती है, वो हवा को काटते हुए जियान के गर्दन की तरफ आगे बढ़ती है। वो फ्राइटनिंग एनर्जी जिसने 100 फीट के रेडियस को कवर करके रखा था, नेचुरली जियान का ध्यान इसकी तरफ चला जाता है। उसके चेहरे पर भी कोल्ड स्माइल अपीयर होती है। वो कहता तेरी वो औकात है, हाथ में आ गई थी हैवी जुआन रूलर। लाइटिंग स्पीड के साथ पर्पल ब्राउन ड्रैगन रूलर की बॉडी को कवर कर लेता है। जियान कहता है गेट लॉस्ट। वो हैवी रूलर काफी हॉट एनर्जी को कंटेन करते हुए आगे बढ़ी थी। ये उस 1 स्टार दोजुन की माउंटेन ओपनिंग एक्स से एकदम फियर्स तरीके से जाके टकरा जाती है। जब रूलर और एक्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, एक डीप मेटेलिक साउंड इरप्ट
होता है। तुरंत ही पॉइंट ऑफ कोलियन से एक पावरफुल विंड रिपल फैली थी। आसपास के एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है जैसे उनके सीने से एक बहुत ही बड़ा पहाड़ टकरा गया है। उनकी बॉडीज पीछे जाती है। इस अर्थ शेकिंग कोलियन की वजह से उस वन स्टार दूजन के एक्सप्रेशन भी चेंज हुए थे। ग्रग साउंड के साथ वो भी खून की उल्टी करता है। उसके चेहरे पे शॉक एक्सप्रेशन छपा हुआ था। उसे लगता है जियान की स्ट्रेंथ बस उसे कंपेरेबल ही है और तो और वो आमने सामने की स्ट्रेंथ में स्पेशलाइज करता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान के सामने उसकी एक नहीं चली, उसके मुंह से लगातार फ्रेश ब्लड बाहर आता है। उस वन स्टार दोजुन का ऑरा काफी ज्यादा वीक हो गया था। इस मोमेंट में उसे फाइनली समझ में आ गया था कि उसके पास जियान से कम्पीट करने की बिल्कुल क्वालिफिकेशन नहीं है। वो अपने दांतों को क्लेंच करते हुए पीछे जा ही सकता था। अब क्योंकि वो एक बार इंजर्ड हो गया तो फिर एक के बाद एक लोग उसके ऊपर हमला करेंगे। उसने कई एक्सपर्ट्स की ऐसी सिमिलर सिचुएशन देख रखी है। अंत में जाके ये सभी इलीट दोजुन जो अपने आप को आसमान समझते थे वो कुत्तों की तरह भाग ही सकते हैं। जब एक के अटैक में वन स्टार दोजुन पीछे चला जाता है, जियान अपने हाथ को फ्लिप करके हैवी जॉन रोलर को अपनी स्टोरिंग में रख लेता है। जियान ने हाथों को क्लेंच किया था, उसके हाथ अभी थोड़े से नम हो चुके हैं। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वन स्टार दोजुन की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होगी। शुरुआत से जियान कई नेचुरल ट्रेजर्स को कंज्यूम करता हुआ आ रहा है। इस वजह से उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। हालांकि उसकी बॉडी जिया से कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए सेम रैंक में ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो उसकी फिजिकल बॉडी से कंपेयर करे जा सकते हो। इस मुसीबत को फोर्स बैक करने के बाद जियान का ध्यान जाता है उस ब्राइटर स्कोल के ऊपर। सच में चीज बहुत ही एजाइल थी। भले ही बहुत सारे लोग इसे ब्लॉक कर रहे हो, तब भी किसी शरारती बच्चे की तरह भागती रहती है। अभी भी किसी एक्सपर्ट ने उसे टच नहीं कर पाया था। इंस्टेड वो लोग जो कि उसके करीब जाते हैं उन्हें तुरंत ही बाकियों के एक्सपर्ट्स का सामना करना पड़ता है। इस सीन को देख के जियान दोबारा से हवा में अपने पैरों को पटकता है। वो फिर से बड़े से पर्पल ब्राउन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो लोग उसका रास्ता रोक रहे थे हम उन्हें डायरेक्टली पीछे रोल करते हुए देखते हैं। उसके ऐसे ब्रूटल एक्शन की वजह से जियान उस रेड स्कोल के सबसे क्लोज पहुंच गया था। जब जियान ब्राइट रेड स्कोल के 20 फीट के रेडियस में जाता है, आसपास के एक्सपर्ट्स इस सीन को देख के एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं लड़के चौस से मतलब कि यू आर कॉटिंग डेथ। पावरफुल दुखी इरप्ट होती है। ये अटैक बढ़ गए थे जियान की तरफ। जब इन सभी एक्सपर्ट्स के कंबाइंड अटैक साथ में आगे बढ़ते हैं उसका मोमेंटम काफी स्पेक्टेकुलर था। इतनी लार्ज स्केल की दुखी को सेंस करके इवन जियान के एक्सप्रेशन भी थोड़े चेंज हो गए थे, लेकिन वो तुरंत ही पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसने अपने एक कदम को आगे बढ़ा के आगे पुश कर दिया था। जियान का बड़ा हाथ जाता है ब्राइट रेड स्कोल की तरफ जो उसके चंगुल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। खैर उसी इंस्टेंट में सारे अटैक्स जियान के पास पहुंच गए थे, लेकिन जस्ट वो जियान से टकराने वाले ही होते हैं तभी सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। टियान हो जुनजी जिया और चिंगलिन वहीं पे अपीयर होते हैं। उनके कंबाइंड एफर्ट की वजह से सामने काफी मोटी सी शील्ड बन जाती है। बैंग 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 के साउंड के साथ वो सारे अटैक्स काफी हैवी तरीके से उस शील्ड से टकराते हैं। उस दुखी शील्ड में लगातार रिपल्स क्रिएट होती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जियान की टोली के कंबाइंड एफर्ट की वजह से वो इन सभी एक्सपर्ट्स का सामना कर पाए। खैर इन सभी की हेल्प की वजह से जियान का वो बड़ा सा हाथ उस स्क्रोल पे फाइनली जाके लैंड करता है। लेकिन तभी हमारे कानों में गई थी चीख की आवाज। जस्ट जियान के हाथ ने स्क्रोल को टच ही किया था, स्क्रोल में से अचानक से हिसिंग साउंड बाहर आती है। वो किसी चालाक मछली की तरह आगे चला गया था। स्क्रोल को जियान के कंट्रोल एरिया के बाहर जाते हुए देख उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो जाता है। जियान का हाथ क्लॉ में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि आगे जाते हुए स्क्रोल की तरफ ग्रैब करता है। जियान के इस ग्रैबिंग एक्शन की वजह से स्पेस में रिपल्स क्रिएट होती है। उस ब्राइट रेड स्क्रोल के आसपास का स्पेस एकदम जम सा गया था। ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास एक केज बन गया है। जियान चिल्ला के कहता है वापस आओ। उसके हाथ की वो सक्शन फोर्स इंक्रीज होती है। एक फ्राइटनिंग फोर्स उस स्क्रोल को डायरेक्टली पीछे खींचने लगी थी। हम उस स्क्रोल को एक लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की तरफ जाते हुए देखते हैं। जियान का फिगर मूव हुआ था। जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करता है स्क्रोल का आधा हिस्सा जियान के हाथ में आ गया था, लेकिन उसने बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ का यूज ही किया था। अचानक से उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देखता है एक सूखा सा हाथ उस स्क्रोल के दूसरी साइड को पकड़े हुए है। दूसरे बंदे की आवाज आती है, ही क्या तुम इस ट्रेजर को अकेले एंजॉय करना चाहते हो? इस हंसी की आवाज को सुनकर जियान का ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। वो डिस्कवर करता है कि जिस इंसान ने यहाँ पे इंटरवीन किया है वो है प्रोफाउंड ज़ोन सेक्ट का चीफ चेंटियन नैन। जियान को अपनी तरफ देखते हुए देख चेंटियन नैन के चेहरे पे एक डार्क और कोल्ड स्माइल आती है। वो अपने एक हाथ को टाइट करके दूसरे हाथ से जियान की तरफ पंच थ्रो करता है। उसके सेक्शन को देख के क्लियरली मालूम पड़ रहा था कि वो अपने इस पंच से जियान का काम तमाम करना चाहता है। चेंटियन नैन की इस रूथलेस टैक्टिक को देख के जियान की आंखें भी चिली हो गई थी। वो कहता है चौस से किसी घोस्ट की तरह जियान के सामने अपीयर हुई थी गोल्डन लाइट। जब चेंटियन नैन का पंच इसकी मेटेलिक बॉडी पे जाके टकराता है हमारे कानों में एक मेटेलिक साउंड सुनाई दिया था। सामने अपीयर हुए इस गोल्डन स्काई डेमन पपेट को देख के चेंटियन नैन का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो कहता है एक पपेट। वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे विड्रॉ करता है, लेकिन स्काई डेमन पपेट उसे ये मौका कैसे देने वाला था। स्काई डेमन पपेट उसे फॉलो करते हुए अपनी फिस्ट को आगे शूट कर देता है। जब चेंटियन नैन ने स्काई डेमन पपेट की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को सेंस किया था उसका चेहरा काफी
स्ट्रगली हो गया था। वो फ्यूरियस आवाज में कहता है, बेस्टर्ड। नचाते हुए भी उसका वो हाथ जो कि स्क्रोल को पकड़े हुए था, हम उसे खुलते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी एक्सप्लोसिवली पीछे गई थी। चेंटेनियन को इस तरीके से भागते हुए देख जियान ने फटक से स्क्रोल को ग्रैब किया था। उसके हाथ को कवर कर लेती है पर्पल ब्राउन फ्लेम, जिससे स्क्रोल को दोबारा भागने का मौका न मिले। कुछ समय के बाद वो ब्राइट रेड स्क्रोल जो कि जियान का थोड़ा विरोध कर रहा था, अब वो भी बहुत ही वीक हो गया था। इस स्क्रोल के सिम्टम्स को डिसअपीयर होते हुए देख जियान भी हैवी तरीके से साई करता है। सभी की लाल आंखों के सामने स्क्रोल चला जाता है जियान की स्टोरिंग में। सेम टाइम में जियान अपने फुल ऑरी को रिलीज कर देता है। पर्पल ब्राउन फ्लेम चारों तरफ घूमने लगी थी। ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखिए वो एक्सपर्ट जिनकी आंखें ब्लड रेड हो रखी थी वो थोड़ा होश में आते हैं। और जब वो सभी दोबारा टियान हो जुंजे को भी देखते हैं तो फिर नचाते हुए भी उन सभी को वापस लौटना पड़ता है। अभी जो टाइम बचा हुआ रह गया है उसका अच्छे से इस्तेमाल करके दूसरे स्क्रोल का पीछा करना सही है। इन सभी भेड़ियों को पीछे तरफ जाते हुए देख जियान का दिल थोड़ा रिलैक्स हो गया था। भले वो इन सब की पर्सनल स्ट्रेंथ से बिल्कुल डरता न हो, लेकिन जब ये सब 100-200 की तादाद में आते हैं तो चीजें उसके लिए भी काफी ट्रबलसम हो जाएंगी। स्टोरिंग में स्क्रोल को रखने के बाद उसे कुछ याद आता है। हम देखते हैं जियान के एक्सप्रेशन को कोल्ड होते हुए। उसकी आंखें गई थी चेंटियन नैन की तरफ, जो स्काई डीमन पपेट के अटैक्स की वजह से काफी मिजरेबल नजर आ रहा है। जियान की आंखों में क्लियर इंटेंट फ्लैश होने लगा था। वो कहता है, ओल्ड बैस्टर्ड, क्योंकि तेरी अटैक करने की हिम्मत हो गई है तो फिर तुझे वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। जब चेंटियन नैन शुरुआत में कई एक्सपर्ट्स को लेके होलीपिल सिटी में जियान को कैप्चर करने के लिए आया था, तभी से चेंटियन नैन जियान की किलिंग लिस्ट में है। लेकिन तब जियान की स्ट्रेंथ बस 9-2 की थी। इसका खात्मा करने के लिए जियान शायद काफी नहीं था, इस वजह से जियान ने तब एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब जब वो इसे दोबारा मिल रहा है, अभी जियान ने इसके ऊपर हमला भी नहीं कर पाया लेकिन ये उल्टा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और तो और इसके विशेष एक्शंस को देख के ये क्लियर बात समझ में आ रही है कि वो जियान की जान के पीछे है। कोई भी एनिमी जो कि जियान के लिए किलिंग इंटेंट को पोजेस करता है, जियान ऑफ कोर्स उसके ऊपर दया नहीं दिखाएगा। भले प्रोफाउंड जोन से एक्ट बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन उसके पीछे का प्रोफाउंड स्काई से एक्ट काफी स्ट्रांग है। कोई भी चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि ये बुड्ढा अपनी गरज की वजह से बाद में कोई एक्शन नहीं लेगा। ऐसे पोटेंशियल डेंजरस कैरेक्टर को खुला छोड़ना जियान के कैरेक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तो और यहाँ पे सिचुएशन काफी केओटिक है। अगर इसकी यहाँ पे जान चली भी जाती है तब भी वो शायद खबर नहीं फैलने वाली। जब ये विचार जियान के दिमाग में फ्लैश होते हैं, उसकी आंखें गई थी चेंटियन नैन की तरफ, जिससे स्काई डीमन पपेट को ब्लॉक करने में परेशानी हो रही है। जियान की आंखें और भी आईसी हो गई थी। चेंटियन नैन की स्ट्रेंथ 2-2 के बराबर की है। और तो जैसी स्ट्रेंथ स्काई डीमन पपेट की है, वो इवन 3-2 के पीक के एक्सपर्ट का भी सामना कर सकता है। इस वजह से चेंटियन नैन का सरप्राइज होना काफी नॉर्मल है। जब जियान ये सब सोच रहा होता है, उसके कान में जाती है बैंक की आवाज। अब हमें चेंटियन नैन और स्काई डीमन पपेट फिर से टकरा गए थे। स्काई डीमन पपेट की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ की वजह से चेंटियन नैन को हवा में कई कदम पीछे लेने पड़ते हैं। उसकी बॉडी से ब्लडी चीप बाहर आती है, उसका चेहरा सफेद हो गया था। स्काई डीमन पपेट को पता नहीं होता कि दर्द क्या है, वो एक परफेक्ट किलिंग मशीन है। जब तक जियान उसे रुकने के लिए नहीं बोलता, वो बिल्कुल रुकने नहीं वाला। बस ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से चेंटियन नैन की खून फेंकने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि वो स्काई डीमन पपेट के खिलाफ ऑलरेडी डिसएडवांटेज में आ चुका है। चेंटियन नैन ने विड्रॉ करने का मन बना लिया था, क्योंकि तब जियान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। इसी रीजन की वजह से उसकी जियान के ऊपर हमला करने की हिम्मत हो गई। जियान की सिर्फ हॉल ऑफ सोल के साथ दुश्मनी नहीं है, बल्कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग जैसी नजरों से जियान को देखते हैं। क्लियरली उसमें फ्रेंडलीनेस बिल्कुल दिखती नहीं है। ऐसी सिचुएशन में चेंटियन नैन जले पर नमक छिड़कने से पीछे कैसे हट सकता है? बस उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी का जियान पहले पिल्टावर के समय से बिल्कुल अलग है। जियान की अनगिनत टैक्टिक्स की वजह से उसके दिल में भी डर बैठता जा रहा है। फाइट करते वो अंदर अंदर से बोलता है, लगता है मैं अभी विड्रॉ ही कर सकता हूँ। एक बार यहाँ की क्योटिक सिचुएशन का अंत होता है तो फिर हॉल ऑफ सोल और हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब ऑलरेडी जियान के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। तब मैं इस लड़के के ऊपर सीक्रेटली अटैक करके इसका काम तमाम कर दूंगा, मुझे वो स्क्रोल भी मिल जाएगा। ये सब सोच के उसकी नजरें गई थी स्काई डीमन पपेट की तरफ, जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। चेंटियन नैन के कदम पीछे जाते हैं, वो भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जियान उसे ऐसा मौका कैसे देता? चेंटियन नैन ने बस एक कदम को ही पीछे लिया था, उसके कानों में एक तीखी आवाज जाती है। वो कहता है, तुम कहां जाने की सोच रहे हो? एट द सेम टाइम एक एक्सट्रीमली हॉट फ्राइटनिंग विंड उसके पास आई थी। अचानक से आई इस अटैक की वजह से चेंटियन नैन का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था। रिफ्लेक्स की वजह से उसकी बॉडी पीछे मुड़ती है। उसके हाथ को कवर कर लिया था दुकी ने, जो कि आ रहे अटैक का सामना करने के लिए आगे चले जाते हैं। बैंग साउंड के साथ फ्राइटनिंग विंड उसके हाथ में आके टकरा गई थी। चेंटियन नैन, जो कि अभी तक कई एक्सपर्ट्स का सामना कर चुका है, वो अंदर से एक ऑपरेशन को फील करता है। उसके पैर घसीटते हुए 10-12 कदम पीछे गए थे। जब अपने सर को ऊपर उठाता है, उसकी पुरानी जगह पे खड़ा हुआ होता है एक स्किनी फिगर। इस फिगर को देख के चेंटियन नैन की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो दांते मीस के बोलता है, जियान। जियान एक्सप्रेशनलेस था। पर्पल ब्राउन फ्लेम ने उसकी बॉडी को कवर करके रखा होता है। वो किसी फायर गॉड की तरह लग रहा था। उप्स, स्पॉइलर दे दिया क्या? वो अपने कदमों को आगे बढ़ा के चेंटियन नैन की तरफ जाने लगा था। जियान कैसे
एक्सप्रेशन को देख के चेंटेनैन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कोल्ड आवाज में कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? ये सुन के जियान के चेहरे पे एक डेंस आर्क फॉर्म होता है। वास्ट और माइटी द्यू की उसके हाथ में इकट्ठी होने लगी थी। चेंटेनैन गुस्से में हंस के बोलता है, तुम वन स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को लेकर मुझसे फाइट करना चाहते हो? वो अटैक करने का इनिशिएटिव लेने वाला होता है, तभी उसके पीछे से एक फ्राइटनिंग विंड अराइव होती है। इसे फील करके उसके चेहरे के रंग तुरंत ही बदल गए थे। वो जल्दी से पीछे मुड़ता है। उसके दोनों हाथ जिन्हें दुकी ने कवर करके रखा होता है, वो हवा में डांस करना शुरू कर देते हैं। एक दुकी का वेब बन गया था। बैंग बैंग साउंड करते हुए स्काईडियन पपेट अपने हाथों को वेव कर रहा था। हर बार जब उसका पंच आगे जाता था, चेंटेनैन के कानों में हवा को चीरने की आवाज जाती थी। स्पेस कोलैप्स हो जाया करता था। हम कई डार्क ब्लैक क्रैक लाइंस को देख सकते हैं। स्काईडियन पपेट के फियर्स अटैक की वजह से चेंटेनैन का रोने का मन होता है। उसकी बॉडी लगातार पीछे जाती है। स्काईडियन पपेट की स्ट्रेंथ अब ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है कि चेंटेनैन को सर उठाने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। चेंटेनैन की आंखों में विशेषनेस फ्लैश होती है। वो अंदर ही अंदर से खुद से बोलता है, अगर ये मामला कंटिन्यू चलता रहा तो मैं इस पपेट के हाथ से सीरियसली इंजर्ड हो जाऊंगा। लगता है मैं यहाँ पे और देर तक इंटेंगल नहीं हो सकता। बेस्टर्ड, लड़के में इस इंसल्ट को याद रखूंगा। बहुत जल्दी तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब सोच के उसके हाथों की स्ट्रेंथ अचानक से राइज हो जाती है। वो स्काईडियन पपेट के अटैक्स को फोर्सफुली रिसीव करके पीछे जाने लगता है। जब चेंटेनैन पीछे जाके खड़ा होकर रिलीफ फील कर रहा होता है, अचानक से उसका दिमाग चिल्लाता है, मुसीबत। उसकी बॉडी में गूज़बम्प्स आने शुरू हो गए थे। जब चेंटेनैन की डेंजर सिचुएशन को सेंस करने वाली सेंसेस चीख रही होती है, उसके कानों में हल्की सी कोल्ड आवाज सुनाई दी थी। वो कहता है, स्काई बियरिंग सील। अपने पीछे की एक्टिविटी को सेंस करके चेंटेनैन का चेहरा तुरंत ही पेल व्हाइट हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान की स्पीड यहाँ तक पहुंच जाएगी। सिचुएशन को देखते हुए चेंटेनैन बहुत जल्दी अपनी बॉडी को दुकी से कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दुकी डिफेंसेस पूरे हो भी नहीं पाए थे। तभी एक पाम प्रिंट उसकी पीठ में जाके टकरा जाता है। उसने सैलाब की तरह एक फ्राइटनिंग फोर्स को सेंस किया था। जब चेंटेनैन ने हैवी ब्लो को रिसीव करता है, हम उसके सफेद हो गए चेहरे को लाल होते हुए देखते हैं। गरग साउंड के साथ उसके मुंह से खून बाहर आता है। आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसकी बॉडी पीछे गई थी। ऐसा होने में वो कई एक्सपर्ट से जाके टकराता है। जियान के अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि चेंटेनैन से टकराने वाले लोग भी खून फेंकते हैं। चेंटेनैन की बॉडी कट्टी पतंग की तरह पीछे जाती है। उसका चेहरा जिसे खून ने कवर करके रखा होता है, वो पीछे मुड़ा था। उसकी विशेष आंखें देखती है जियान को, जो कि दूर होता जा रहा है। अभी चेंटेनैन की आंखें जियान को उगल रही थी। चेंटेनैन रोर करके बोलता है, लिटिल बैस्टर्ड, अगर मैंने आज का बदला नहीं लिया तो मैं चेंटेनैन इंसान नहीं हूँ। चेंटेनैन ओरिजिनली ऐसा इंसान है जो छोटी सी चीज के लिए हमेशा बदला लेता है। यहाँ पे तो जियान ने उसका काम ही तमाम कर दिया होता, आखिर वो उस ग्रज को कैसे ही भूल सकता है। चेंटेनैन के दिमाग में से कई विशेष थॉट्स फ्लैश होते हैं। बैंग साउंड के साथ उसकी बॉडी जमीन से टकराई थी। वो जमीन से घिसटते हुए पीछे जाके एक मोटे से पिलर से जाके टकराता है। उसके मुंह से फिर से खून बाहर आता है। काफी स्ट्रगल करने के बाद जब चेंटेनैन खड़ा हुआ था, उसकी आंखें क्राउड को पार करते हुए देखती हैं जियान को, जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। चेंटेनैन पीछे मुड़ के जाने लगता है, लेकिन शायद उसकी गलत फहमी है कि जियान उसे इतनी आसानी से जाने देगा। चेंटेनैन वापस जाने के लिए जस्ट पीछे ही मुड़ा था, हमें एक पफ साउंड सुनाई देता है। चेंटेनैन के चेस्ट को एक गोल्डन फिश ने पेनिट्रेट कर दिया था। उस खून से रंगी गोल्डन आर्म में से लगातार खून नीचे गिरता है। चेंटेनैन की डल आंखें देखती है पपेट की खाली खाली सी आंखों को। फाइनली अब उसे समझ में आया था कि उसने जियान के मर्डरस इंटेंट को जगा दिया है। वो चेंटेनैन को रिवेंज लेने का मौका ही नहीं देगा। चेंटेनैन के मुंह से खून लगातार फ्लो करता है। काफी जल्दी उसकी आंखों में से लाइफ फोर्स डिसअपीयर हो जाती है। इमीडिएटली उसकी स्टिफ बॉडी गिरती है जमीन पे। फाइनली ये प्रोफाउंड ज़ोन सेक्ट का चीफ चेंटेनैन, जो कि 2-स्टार दोजन की स्ट्रेंथ पे पहुंच गया था, उसकी जान स्काईडियन पपेट और जियान के हाथों से चली गई है। जब चेंटेनैन को कोलैप्स होते हुए जियान देखता है, उसके चेहरे की आइसीनेस रिड्यूस होती है। ओरिजिनली जियान और चेंटेनैन के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस बुड्ढे को हमेशा यही लगता था कि चेंगशान की जान जियान के हाथ से गई है। इस वजह से चेंटेनैन ने हर एक मेथड का यूज किया जिससे वो जियान की जान ले सके। इस एंडिंग को शायद चेंटेनैन डिजर्व करता था। जियान कहता है, इस एंडिंग के लिए तुम खुद को ही ब्लेम कर सकते हो। चेंटेनैन को खत्म करने के बाद स्काईडियन पपेट फटाक से चला गया था जियान की स्टोरिंग में। टियान होजुन से लिटिल फेट डॉक्टर भी फ्लैश करके पास में आ जाते हैं। जब पूरा ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो गया था, तो वो अलर्ट मोड में आके एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जियान शाओशियान की तरफ देख के पूछता है, उस ह्यूमन पपेट का क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? शाओशियान कहती है, भले ये चीजें काफी पावरफुल हो, लेकिन ये ह्यूमन पपेट्स इंटेलिजेंस को पोजेस नहीं करते। जियान नॉड करके पूरी सिचुएशन को देखता है। हमारा ध्यान गया था टियान हो जुंजे की तरफ। वो कहते हैवन इवन फिनिक्स ट्राइब और विंड लाइटिंग पवेलियन, इन दोनों ने ही एक एक स्क्रोल को ऑब्टेन कर लिया है। आइस रिवर वैली और बर्निंग फ्लेम वैली के हाथ भी खाली नहीं है। बाकी के दो और ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं जिनके हाथ में दो स्क्रोल्स लग गए हैं। ये सुन के जियान स्टार्टर्ड हो गया था, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो नॉड कर देता है। ये सभी फैक्शंस यहाँ पे प्रिपेयर्ड होके आए हैं, और तो और इन लोगों में से कई ऐसे ट्रू एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्हें
बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनके हाथ में स्क्रोल्स का लगना बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। लिटिल फेट डॉक्टर पूछती है हमें अब क्या करना चाहिए। अभी 3 स्क्रोल बचे रह गए जिनके पीछे लोग पड़े हुए हैं। और तो और इन स्क्रोल्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। क्या हम एक और स्क्रोल के पीछे जाने वाले हैं? लेकिन ये सुनकर जिया ने अपना सिर हिलाया था। वो कहता है अगर हम और स्नैच करते हैं तो फिर वो एक्सपर्ट्स जो कि स्क्रोल्स का पीछा कर रहे हैं वो अपनी सेंस ऑफ रीजनिंग को खो देंगे। तभी जियान की भौहें सिकुड़ गई थी। वो कहता है और तो और मुझे जैसे ये 10 स्क्रोल फीलिंग देते हैं मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में टियान क्लास की 2 टेक्निक है। उसके शब्दों को सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी के लोग शॉक में आ गए थे। वो कहते हैं तुम्हारा मतलब ये है कि ये सभी स्क्रोल्स फेक हैं। जियान की आंखें नैरो हो गई थी। वो बड़बड़ाते हुए बोलता है ये सभी 2 टेक्निक्स और चीफ मेथड्स काफी स्ट्रांग हैं लेकिन इनमें से कोई भी टियान क्लास की 2 टेक्निक नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब मूर्ख बन चुके हैं। ये सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर और बाकियों की आईब्राउज भी नेट हो जाती है। टियान होजुन से अपनी आंखों को शिफ्ट करके बोलते हैं ये हॉल ऑफ सोल के लोग आखिर क्या करना चाहते हैं। जियान स्टार्टर्ड हो गया था जब वो लिटिल फेट डॉक्टर और बाकियों की नजरों को फॉलो करता है। उसे दिखाई दिया था ओल्ड गो जयशंकर का ग्रुप। अभी वो एक गोलाकार की फॉर्मेशन को बना रहे हैं और जिस दिशा में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो जगह है हॉल के बिल्कुल सेंटर की जहाँ पे वो 2 शेंक का स्केलेटन रखा हुआ है। तभी टियान जी को भी रियलाइजेशन होता है। वो कहते हैं हॉल ऑफ सोल का टारगेट है वो 2 शेंक का स्केलेटन। जिया की आंखें भी चमकने लगी थी। वो कहती है कि हम बीच में कूद के न रोक लें। जब सभी देखते हैं जियान को तो पाते हैं कि जियान अभी देख रहा है उस स्केलेटन की तरफ। एक मोमेंट के बाद जियान की आंखें श्रिंक हुई थी। एक इंस्टेंट पहले जियान ने सेंस किया था कि उस स्टोन चेयर पर बैठे स्केलेटन की उंगली ट्रेम्बल हुई है। इस चीज को रियलाइज करके जियान के दिल में एक भूकंप सा आ गया था। वो कहता है ये 2 शेंक का स्केलेटन जिंदा है। अब हड्डियों का ढांचा कैसे जिंदा हो सकता है इस चीज को जानने में मैं भी काफी इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन हमारे इस एपिसोड की यहाँ पे एंडिंग होती है। लेकिन डू नॉट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में हमारा पूरा फोकस होने वाला है इस 2 शेंक के स्केलेटन के ऊपर और जिस रीजन की वजह से सभी लोग एंशिएंट रिमेंस में आए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है टियान क्लास की 2 टेक्निक की। हमें नेक्स्ट एपिसोड में उसकी भी झलक देखने वाली है। हम पहली बार देख रहे होंगे कि टियान क्लास की 2 टेक्निक कितनी पावरफुल होती है। आई गेस ये वाला आर्क उन लोगों को काफी पसंद आ रहा होगा जिन्हें फाइटिंग सीन्स में मजा आता है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये वाला पूरा आर्क फाइटिंग सीन से भरा ही हुआ है। इस एपिसोड की फाइटिंग सीन्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ तो बस शुरुआत हो रही है। अगले 3-4 एपिसोड में फाइटिंग सीन्स एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। इस बात को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। ये भी बताना कि एपिसोड कैसा लगा है। वीडियो का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट हो जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही मिल जाए। चलो सब्सक्राइब वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा हो तो कर सकते हो। चलो हम करते हैं वीडियो को क्लोज। लेफ्ट में क्लिक करके आप पिछले एपिसोड को देख पाओगे और जैसे नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल होता है वो आपको दिखेगा राइट साइड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।